हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी बढ़िया हो, एकदम शानदार हो, जानदार हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है डेली सुबह 9:30 बजे हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। तो 9:30 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। चलिए तो इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको पता है डेली 1 PM पे साइंस के 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों, दो दिन से ये क्लास नहीं हो पाई थी, इसका कारण आप लोगों को पता है, क्योंकि एनालिसिस चल रहा था आप लोगों का, जितने भी पेपर हुए हैं, है ना। तो आज से ये क्लास आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी, जो 1 PM पे जो आप लोगों की क्लास होती है। समझ गए बात को? और ध्यान रखें, शाम को 7 बजे मैं आप लोगों का दोनों शिफ्ट का, आज का जितने भी पेपर आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, मैं शाम को डाल दूंगा, है ना। तो ये वाली क्लासेज के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मेरा नाम सर्च करना नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर लो, स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग गोल सेलेक्ट कर लेना SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लास सेगमेंट में देख लेना, बिल्कुल फ्री है। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, पहले आप लोग उससे कोड पूछा जाता है। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो नीरज 11 कोड आप लोग यूज़ कर लीजिए, अनलॉक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और आज, मतलब आज आप लोगों को पता है 30 हो गई, मतलब 30 तारीख हो गई, कल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है 29 से। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, आज भी आपको मिल जाएगा वाईफाई स्टडी की तरफ से SSC CGL और CHSL का कंप्लीट बैच है। दोस्तों, यहाँ पर सारे टीचर्स के कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन पे। 31 तारीख से प्राइस हाइक हो रहा है, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो। 2 साल का दोस्तों कितने का है, 7200 का है। रेफरल कोड डालेंगे आप लोग नीरज 11, तो ये आपका पड़ जाएगा 6480 रुपये का, ठीक है। चलिए, और आपका जब भी पेपर है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले अपने क्वेश्चंस, ये आप लोग के नंबर है 9835393042। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए स्टार्ट करें। तो क्या हाल चाल है? तो कल के जो क्वेश्चंस थे आप लोगों ने देखे? अरे कल जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो देखे शाम को, दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम लोगों ने करे। बहुत साइंस के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने देखा नहीं हो आप लोगों ने क्लास में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। चलो क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाइए, फिर बाकी की चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। बोला जा रहा है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछलता है, ऐसा कारण क्या है? जैसे आप लोगों को पता है, यदि आप लोग, मतलब या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप लोग, यदि हम लोग अर्थ की सरफेस पे, तो यहाँ पर फेंक रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं जिस पावर से फेंक रहा हूँ ये कहाँ पर जा पा रहा है, यहाँ तक जा पा रहा है। लेकिन चंद्रमा की सरफेस से जब आप लोग इसको फेंकोगे तो थोड़ा सा क्या जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ध्यान से समझिए, ये आप लोगों का क्या है, अर्थ है, ये मान लीजिए मून है, चंद्रमा है। मान लीजिए m मास की कोई भी चीज़ है, सेम m मास की चीज़ अगर आप लोग कोई यहाँ पर लेकर आओगे तो होता क्या है, आप लोग जानते हैं, कोई भी दो मासेज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा उछल नहीं पाओगे, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि चंद्रमा का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल, वो कम है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा उछल सकता है, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो सरफेस ऑफ मून ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून द ब्राइट नहीं द मून इज कोल्डर देन द मून ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून क्या पूछा जा रहा है, अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है चंद्रमा ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून, बिल्कुल सही है। द ब्राइटनेस इज लेस देन डेट ऑफ द अर्थ, अरे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में तो सही है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी व्यक्ति नीचे उछले, ऊपर उछलेगा, लेकिन नीचे की ओर तो एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका वेट, यानी mg। तो जो g का मान है, गुरुत्वाकर्षण का मान है, वो क्या है, चंद्रमा की सरफेस पे कम है, पृथ्वी की सरफेस पे ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। तो इसको इंग्लिश में सही कर लेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून, है ना, मतलब मैं लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून पे है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में कम है, डेट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। 4 बजे वाली क्लास अब नहीं होगी, बिल्कुल होगी, अपन आज डिस्कस करेंगे 1 बजे वाली क्लास में, एक बहुत कुछ नया उसमें करेंगे, टेंशन मत लो। अब RN किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, जो RN है कौन सा केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है RN। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, सभी एक जैसे लग रहे हैं ये, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन।
रेडॉन क्या है? आप लोग की इनर्ट गैस है, आप लोग सभी जानते हो पीरियोडिक टेबल में जो 18 नंबर का ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी की सभी क्या है? इनर्ट गैस है। तो आप लोग देख सकते हो रेडॉन का जो सिंबल होता है वो आर एन होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 86 होता है, 86 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, सेम क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो पेपर हुआ था रेलवे का, इस बार पूछा गया था। तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो ट्रेन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आप लोग की कोई गाड़ी है तो इसमें आप लोग क्या हो, बैठे हो, तो अभी आप लोगों की कंडीशन क्या है? आप स्टेट में हो, मतलब आप रेस्ट में हो, विराम में हो, तो आप लोगों की बॉडी क्या चाहेगी? कि वो रेस्ट में रहे। अब होता क्या है, आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो है वो किसके कांटेक्ट में है? इस बस के कांटेक्ट में है, या ट्रेन मान लो, कुछ भी मान लो। तो जैसे ही आप लोगों की ट्रेन एकदम से चलना स्टार्ट करती है तो नीचे वाला पार्ट होता है वो तो क्या हो जाता है, आगे मूव कर जाता है, लेकिन पूरी बॉडी चाहती है रेस्ट में रहे, इसलिए पीछे की ओर क्या होता है आप लोगों का, पीछे की ओर आपकी बॉडी आती है। तो इसका कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्थिरता का जड़त्व, या फिर आप लोग बोल सकते हो विराम का जड़त्व। आपकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में है, तो वो जैसे ही बस आगे चलेगी वो तो आगे चला जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होगा? बताइए, जो ब्लीचिंग पाउडर होगा, केमिकल फॉर्मूला भी इसका याद रखो, CaOCl2, बहुत पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप लोगों को बताना है किस प्रकार इसका निर्माण होगा, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए जल्दी से। चले बताओ, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन विद स्लैग्ड लाइम। दोस्तों जो स्लैग्ड लाइम होता है यानी बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है? कल ये क्वेश्चन आया था कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो बुझा हुआ चूना बोल लो, लाइम वाटर बोल लो, एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी अभिक्रिया आप लोगों को किससे करवानी है? क्लोरीन से करवानी है। तो जब आप लोगों को क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। देख लीजिए, जब आप लोग स्लैग्ड लाइम यानी भूजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाओगे क्लोरीन से, तो आपको मिलेगा CaOCl2। यही आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। साथ में किसका निर्माण होगा? वाटर का निर्माण होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, माइक ठीक से लगाओ, क्यों माइक में क्या प्रॉब्लम हो रही है? साउंड नहीं आ रहा क्या? हेलो, साउंड नहीं आ रहा आपको? बताइए, साउंड ओके है फ्रेंड्स? एक बार बता दीजिए। सर मैं ब्लॉक क्यों करता, सर मेरे को ब्लॉक क्यों करता, कहाँ ब्लॉक किया? आप कमेंट तो कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अमाशय की दीवार से, स्टमक की वॉल से कौन सा एंजाइम्स निकलता है? चार आप लोग को ऑप्शन दिए, जल्दी से मुझे बताइए। तो ये आपका जो स्टमक होता है इसमें क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसमें क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, रेनिन, ठीक है। तो रेनिन इसका आंसर हो जाएगा। और रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, जल्दी से मुझे बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो CaSO4.2H2 वो होता है, वो होता है आप लोगों का जिप्सम। एक बार पेन चेंज करता हूँ मैं, चलिए। तो CaSO4.2H2O ये होता है आपका जिप्सम। जब आप लोग इसका निर्जलीकरण करोगे, इसको जब बहुत ज़्यादा हीट करोगे, तो इससे क्या निकल जाता है? इसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaSO4.5H2O, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, एपिकल्चर किससे रिलेटेड है?
तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछा गया था, अभी रेलवे के शायद 28 को पूछा गया था, उसमें पूछा गया था सेरिकल्चर, समझ रहे हो। अब आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर भी पूछा जा सकता है, पीसीकल्चर भी पूछा जा सकता है, एपिकल्चर भी पूछा जा सकता है। तो सभी का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एपिकल्चर तो ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड हो जाएगा, रेशम के कीड़े पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। और जो आपका मछली का पालन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पीसीकल्चर। तो तीनों आप लोग याद रखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट बतानी है, विद्युत तीव्रता का मात्रक बताना है, जल्दी से बताइए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की यूनिट बताइए, मात्रक बताइए। तो होता क्या है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होता क्या, देखिए आप लोग सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई आवेश है, तो कोई भी दो चार्ज आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, असमान आवेश होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको रिपेल होंगे, इनके बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा। और आप लोगों को पता है दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है आप लोगों का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझो, अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए आपने इसको छुपा के रखा है कहीं पर, अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा क्या, क्योंकि इसको नहीं पता इसके चारों ओर कौन है, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा क्या। तो किसी भी चार्ज के कारण उसके आसपास में क्या होता है, फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी अगर आपका चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, समझ में आ गए। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलंब होती है, तो न्यूटन अपॉन कूलंब क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी, इसका मात्रक आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे दोस्तों चले, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम जो है बिना बुझा हुआ चूना है, उसका रासायनिक नाम बताना है आप लोगों को, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है आप लोगों का, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब आप लोग इसमें H2O डालोगे, जल डालोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना, इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। और ये कौन सा हो जाएगा, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बिना बुझा हुआ का पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चले, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो देखिए एक पूरी की पूरी साइकिल आप लोग समझिए, ये साइकिल मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, यहां पर भी बताता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड है आप लोगों का, इसको जब आप लोग इसमें जल डालोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है, चूने के पानी का रंग दुधिया किस वजह से हो जाता है, तो ये आपका जो चूने का पानी है ना, ये आप लोग का जो बुझा हुआ चूना है, चूने का पानी बोल लीजिए, जब आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, और इसी की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है, सफेद रंग हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, कौन सा प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाता है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नाखून में, और ये बाल में भी पाया जाता है, हेयर्स में भी पाया जाता है, और जो जानवर्स होते हैं उनके सींग में, हॉर्न्स में, खुर्रों में भी पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन प्रोटीन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है। तो सबसे पहले समझते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता कौन सा है, जैसे आप लोगों को पता है, देखिए यहां पर हड्डी है, यहां पर हड्डी है, तो ये भी तो एक जॉइंट होगा, यहां पर भी तो एक जॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट।
लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है बॉल और सॉकेट जॉइंट। देखिए बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होगा कि मतलब जिसमें कोई हड्डी फंसी हुई होगी, ऐसा जॉइंट जैसे मान लीजिए आप लोगों का ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें आपका पूरा का पूरा पैर फंसा हुआ है, समझ रहे हो बात को। जैसे ये वाला आप लोग का जॉइंट है, इसमें पूरा का पूरा हाथ फंसा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिप जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग कौन सा हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट का, तो ये आप लोग का हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका पैर फंसा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको हिप जॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लाल रुधिर कणिका है जो आरबीसी होती है, ठीक है, इनकी आयु आप लोगों को बतानी कितने दिन होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 120 डेज होती है। और ये कहां पर ये डिस्ट्रॉय होती है, तो स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 120 डेज। देखिए आरबीसी का एक क्वेश्चन और पूछा था इसके शेप के बारे में, ठीक है, तो उसका शेप याद रखिए बाई कॉनकेव इसका शेप होता है, बाई कॉनकेव, है ना। जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट है ना, इस टैबलेट को आपने ऊपर से भी दबा दिया, नीचे से भी दबा दिया, तो कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी ना, तो कुछ इस प्रकार से आरबीसी का क्या होता है, शेप होता है। अगर डब्ल्यूबीसी के शेप की बात करें तो उसका जो शेप होता है, या तो आप लोग ऑप्शन में आएगा अमीबा के शेप का, तो अमीबा के शेप का आप लोग लिख सकते हो, या फिर आएगा इररेगुलर। तो ध्यान रखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है और आप लोग का जो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स, इन दोनों की जो शेप होती है कैसी होती है, इररेगुलर होती है, इररेगुलर होती है, इररेगुलर, अनियमित होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मैमल्स में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो हो जाएगी बताइए कौन सी हो जाएगी। चार आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर बताइए। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड हो जाएगी लीवर, यकृत। और अगर लीवर ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड नंबर पे होती है पैनक्रियास, सेकंड नंबर पे होती है पैनक्रियास यानी अग्नाशय। तो सबसे बड़ी आपकी होती है लीवर, लीवर ऑप्शन में दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है ना, कल क्वेश्चन आया था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जीवों को उनके पर्यावरण में संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसका एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, अगर इसके स्टडी की बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, जरा बताइए इसके स्टडी को क्या बोला जाता है, जल्दी से मुझे बताइए। तो ध्यान से समझिए, आप लोगों का एनवायरमेंट होता क्या है दोस्तों, आप हो, आपके सराउंडिंग में जो भी है सब कुछ एनवायरमेंट है, चाहे हवा की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सब कुछ एनवायरमेंट है। तो आप लोग देखिए छोटी चीज मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कोई आप लोग के प्लांट है, प्लांट ने किसका यूज करा भाई, रूट से इसने लिया वाटर, एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा, और किसका निर्माण करा, ग्लूकोज का निर्माण करा। ग्लूकोज क्या होता है, इन प्लांट्स का फूड होता है। अब मान लीजिए इस प्लांट को आप लोगों ने खाया किसी बकरी ने, है ना, बकरी को खा गया मान लीजिए शेर ने, तो यहां पर रिलेशन देखो किस किस का है। देखिए जो एनवायरमेंट होते हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ध्यान से समझना, बकरी और शेर क्या है आप लोगों के, बायोटिक कंपोनेंट है ये, एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जिनमें लाइफ होती है, तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है। सिमिलरली प्लांट क्या है आप लोगों के, ये भी बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन क्या इसका कार्बन डाइऑक्साइड से यूज है क्या, इसका मतलब एयर के साथ में कुछ रिलेशन है क्या, तो यानी मैं बोल सकता हूं एबायोटिक का बायोटिक के साथ में कुछ रिलेशन है, फिर बायोटिक का बायोटिक के साथ में। तो ये जो आप लोगों का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे प्लांट मान लीजिए, इसके सराउंडिंग के साथ में इसका क्या रिलेशन है, ये पूरी की पूरी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, मतलब आप हो, तो आप अपने एनवायरनमेंट के साथ में आप लोगों का किस प्रकार से इंटरैक्शन है, इस पूरी की पूरी स्टडी क्या कहलाएगी, आप लोगों की इकोलॉजी कहलाएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, टाइफाइड किससे होता है, सेम क्वेश्चन कल आरआरबी शिफ्ट 2 में आया, ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आया, कल शिफ्ट 1 में आया था, शिफ्ट 2 में आया था, शिफ्ट 2 में आया था।
लेकिन शिफ्ट टू में पूछा था इनमें से कौन से डिजीज बैक्टीरिया से होती है, तो आप लोगों को चार ऑप्शन दे रखे थे, ये टाइफॉइड भी दे रखा था, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, टाइफॉइड होगा। तो टाइफॉइड आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कौन से बैक्टीरिया से होता है नाम बताओ जल्दी से यार, बैक्टीरिया वायरस इतने तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं डिजीज वाले, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल सेम क्वेश्चन आया था, है ना, कल सेम क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे जल्दी से। अच्छा आपका पेपर कब है दोस्तों, आपका पेपर कब है जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके बताएंगे आपका पेपर कब है। कुछ ऑप्शन नंबर सी बोल रहे थे पिछले वाले में, अरे ये जो सी है कहाँ गया क्वेश्चन, ये जो सी है ये लैक्टोबैसिलस, ये तो वो है जो दूध को खट्टा करता है, दूध में जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बताइए आपका पेपर कब है, शिफ्ट और डेट बताइए अपनी, मे बी नेक्स्ट फेज, ओके अच्छा 10 को है, 11 को है, मेरा 11 को है, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, देखिए मैंने कल ही आपको बताया था, हाइड्रोलिक जैक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, इन सभी में किसका यूज होता है, पास्कल का लॉ का यूज होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत जने इसका गलत आंसर देंगे। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, मान लीजिए कोई आप लोगों का एटम है, एटम में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इसके भाई में कक्षा होती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, तो मान लीजिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, भैया इन्फिनिटी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मोर देन जीरो, या आप लोग की लेस देन जीरो। तो ध्यान रखेंगे जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी जो एनर्जी होती है नेगेटिव होती है। अब कैसे पता पड़ेगा नेगेटिव होती है ऋणात्मक होती है, चलो मुझे एक चीज मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, एक छोटी चीज मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसके पास में, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है दोस्तों, 100 रुपए, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है जिसके पास में कितने रुपए हैं, 0 रुपए, ध्यान समझना। अब ये है व्यक्ति नंबर ए, ये है व्यक्ति नंबर बी, समझ रहे हो बात को, चलो दूसरा एग्जांपल लो, एक व्यक्ति है जिसके पास में है 0 रुपए, व्यक्ति ए है उसके पास में 0 रुपए, एक व्यक्ति है व्यक्ति नंबर बी, इसने किसी से उधार ले रखे हैं 100 रुपए, तो इसके पास में -100 रुपए, ध्यान से समझिएगा। अब ये जिस शहर में रहता है उस शहर को छोड़ नहीं सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता, इसने 100 रुपए उधार ले रखे हैं, जब तक वो चुकाएगा नहीं तो कैसे छोड़ के जा सकता है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को अपने साथ में लेके जाना है तो कौन इजिली चल लेगा आपके साथ में, ये तो इजिली चल देगा क्योंकि इसके पास में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है जो इसको चुकाना हो, बिल्कुल ठीक है, 0 रुपए वाला ये तो कहीं भी बिल्कुल फ्री है। जबकि इसके पास में -100 रुपए मतलब 100 रुपए का कर्जा है, तो ये आप लोगों के साथ में चल नहीं सकता क्योंकि जब तक ये 100 रुपए नहीं चुकाएगा इसका मालिक इसको छोड़ेगा नहीं। तो सेम चीज यहां पर है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अगर सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हो इसको भी हम लोग बाहर निकालें, तो आपको क्या इसको 100 रुपए देने होंगे, क्या आपको इसको 100 रुपए देने होंगे क्या, क्योंकि जब आप लोग इसको 100 रुपए देंगे तब इसके पास में कितने रुपए होंगे, 0 रुपए हो जाएंगे, अब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, किसी की बंदिश में नहीं रहेगा। तो सेम ये बात है, जो इलेक्ट्रॉन है आप लोग अगर इसको निकालना चाहते हो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आप लोग एनर्जी देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो बाहर आएगा। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास में टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये बंधा हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये एनर्जी आई कहां से, नेगेटिव एनर्जी आई कहां से, तो देखिए यहां पर आपका क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने क्या इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होगा क्या, अरे प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा क्या, तो अगर आप लोगों को इसको बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर है क्या। तो इसके पास में क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट आंसर हो जाएगा लेस देन जीरो। दोस्तों समझ में आ गया क्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एग्जाम्पल विजय माल्या, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे जल्दी से।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CO Cl2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा CaOCl2। निर्माण कैसे होता है अभी अभी हम लोगों ने देखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन से करवाओगे तो आप लोगों का किसका निर्माण हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण, ये क्वेश्चन आप लोगों का कब आया था? ये आया था 2018 की, सॉरी 28 तारीख की आई थी, 29 तारीख में आया था एटम की डिस्कवरी, 28 तारीख को आया था ये कि एटम की डिस्कवरी किसने करी है ना, एटम की डिस्कवरी किसने करी, 28 तारीख को आया था ये क्वेश्चन, एटम की डिस्कवरी किसने करी तो बताइए। बोला जा रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को डैश कहा जाता है। तो डाल्टन ने क्या बोला दोस्तों, कोई भी मैटर हो, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास में आयरन की रॉड है, तो डाल्टन ने बोला कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल आप लोगों के स्मॉलेस्ट होते हैं, इनसे छोटे पार्टिकल कोई नहीं होगा और ये आपके इंडिविजिबल होते हैं, इनको आप लोग विभाजित नहीं कर सकते, और इन पार्टिकल को डाल्टन ने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। लेकिन बाद में जो इनकी जो इन्होंने बताया था कि ये आप लोगों के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये चीज़ गलत साबित हो गई, क्योंकि इसके अंदर फिर बाद में प्रोटोन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटोन की डिस्कवरी हुई, फिर पता पड़ा इससे छोटे और भी पार्टिकल है। लेकिन ये नाम किसने दिया, आपके एटम की डिस्कवरी किसने करी, एटम नाम किसने दिया, ये दिया आप लोगों को डाल्टन ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंत में इंटेस्टाइन में भोजन के लिए नलिका के मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश कहा जाता है। तो जो भी आप लोग फूड लेते हैं, आप लोगों को पता है आप लोग पेड़ पे उल्टा लेट के भी जब एप्पल खाओगे तो खाना आप लोगों का ऐसा ही जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, ये आप लोग मान लीजिए जैसे आप लोग भोजन ले रहे हो, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? फूड पाइप हो जाएगा, जिससे भोजन आप लोगों का स्टमक में जाता है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? फूड पाइप आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई आप लोग का फूड है, अब इसको नीचे भेजना है ना, तो ये नीचे ऐसा नहीं है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, आप लोग अगर लेट के खाओगे तब भी ऐसे ही जाएगा, तो ये यहां से यहां पर क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो जैसे जैसे आगे आता जाएगा ये आपका कंप्रेस होता जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि ये आप लोगों की रिफिल है, इसमें अगर मैं नीचे से दबाता जाऊं तो क्या इंक ऊपर की ओर आती जाएगी क्या? तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन, यानी क्रमाकुचन गति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटल, जल्दी से बताइए, चार ऑप्शंस आप लोगों के दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर बताइए। अल्कली मेटल मतलब कौन से की बात कर रही है? अल्कली मेटल आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, यानी अल्कली धातु है, तो इनकी बात हो रही है ना। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके? हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन वो तो आपका नॉन मेटल है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके आते हैं फर्स्ट ग्रुप में और इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। तो क्या बोला जा रहा है? आर हाईली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल है क्या? चलो देखते हैं किसी को उठा के, इस सोडियम को उठा के देखो, ये आपका Na है, समझ गए? एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। पहली बात तो इसका अष्टक पूरा नहीं है, चलो वो तो मान ही लिया, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो इसके पास में क्या हो जाएंगे? आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो स्टेबल तो नहीं है आपका। Evaporate at room temperature, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। Easily get electron, इलेक्ट्रॉन को इजिली गेट कर लेगा क्या, प्राप्त कर लेगा क्या? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। Loses इलेक्ट्रॉन easily, इलेक्ट्रॉन को easily losses कर देगा, चाहे आपका देखिए सोडियम की बात करें, चाहे लिथियम की बात करें, देखिए लिथियम इसका क्या हो जाएगा? 2.1, ये भी चाहता है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन चल जाए, जिससे पहली वाली कक्षा की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और 2 ही आप रह जाएंगे, कक्षा भरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेशियम की, 19, इसका क्या होता है? 2.8.8.1, तो ये सभी क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट,
पानी का घनत्व डैश पर अधिकतम होता है, जल्दी से बताइए पानी का घनत्व। और दोस्तों दोनों शिफ्ट का एनालिसिस मैं शाम को एक साथ करूंगा, ठीक है, जल्दी से बताइए दोनों शिफ्ट का मैं एनालिसिस आज एक साथ करूंगा, है ना, शाम को ध्यान रखना साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो आप लोग सभी जानते हैं जैसे मान लीजिए वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसी भी चीज़ को जब आप लोग गर्म करते हो हीट करते हो तो वो एक्सपेंड होती है, लेकिन वाटर के साथ में कुछ ऐसा नहीं है। जैसे वाटर में मैं क्या बात बताऊँ, एक एक्सिस पे अगर मैं वॉल्यूम लूँ, आयतन लूँ, और एक एक्सिस पे अगर हम लोग ले टेम्परेचर यानी तापमान, तो होगा क्या, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, आप लोग इसको हीट कर रहे हो तो वॉल्यूम मतलब एक्सपेंड होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए कुछ वॉल्यूम है, आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये ऊपर की ओर करो जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है वाटर का, कहाँ तक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, फिर और बढ़ाओगे फिर आप लोगों का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों से पूछे वाटर का वॉल्यूम आयतन मिनिमम कब होता है, तो वॉल्यूम मिनिमम कहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और डेंसिटी क्या होता है आप लोगों का मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आप लोगों का अगर मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो होता है आयतन वो मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 1 बजे अनएकेडमी पे क्लास है कि बिल्कुल 1 बजे क्लास है, कल हम लोग नहीं ले पाए थे, 2 दिन नहीं हो पाई थी, इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, आज से क्लास हो जाएगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश को पचाता है, बताइए पेप्सिन कहां से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है, आप लोगों को पता है, और पेप्सिन किसका पाचन करता है, पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, और जठर रस में एक एंजाइम और पाया जाता है रेनिन, वो क्या करता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो आप लोगों से पूछा है पेप्सिन किसका करता है, तो ये करता है प्रोटीन का, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर नेकेड में क्लास क्यों नहीं हो रहा है, आज से हो जाएगा सारा, ना बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण है, बताइए बताइए, तो ये आप लोगों को पता है, देखो 4 आपको किंगडम दिए हुए हैं, RH, देखो एक क्वेश्चन आपका और आया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या दोस्तों 28 तारीख को एक क्वेश्चन और था मैं से मिस हो गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर रखा है क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताओ, वर्गीकरण का जनक किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था आपका, वर्गीकरण का जनक 28 तारीख को आया था, वर्गीकरण का जनक, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है यार, आप खुद बता दोगे, है ना। कार्ल लिनियस, आप लोगों को पता है क्लास में कितनी बार करा है, कार्ल लिनियस, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करा था। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो आपको 4 किंगडम दे रखे हैं, आप लोगों को पता है RH विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने जीवों को उनके संरचना के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर अलग अलग किंगडम में रखा था, तो कौन से वो 5 किंगडम थे, वो थे आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई, एनिमेलिया। तो अगर हम लोग बात करें मोनेरा में कौन से आते हैं, मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से बनते हैं, और इनमें सेल का प्रकार क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता। प्रोटिस्टा में क्या रखा, रखा तो इसमें भी यूनिसेलुलर रखा, लेकिन इसमें क्या थे आप लोग के यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, जिसमें आपका न्यूक्लियस केंद्रक आपका डेवलप होता है। बात करें फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, तो ये तो आप लोग के मल्टी सेलुलर हो जाएंगे और आपके यूकैरियोटिक हो जाएंगे। तो अगर बात करें आपसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पूछा जा रहा है ना, किसमें रखा रखा था, तो मोनेरा में आप लोगों के बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए, कोई व्यक्ति चावल, दाल, दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी, मतलब भोजन में केवल वो ले रहा है, वो राइस ले रहा है ना, राइस ले रहा है, पल्स ले रहा है, दाल ले रहा है, कर्ड ले रहा है, दही ले रहा है, तो इसको क्या कमी होगी, तो चावल ले रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की तो कमी होगी नहीं, और स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है भैया, इसकी पूर्ति हो जाएगी। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन की भी कमी नहीं होगी, ये भी मिल जाएगा। दही में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, तो ये भी मिल जाएगा। दोस्तों विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ए आपको किससे मिलता है, गाजर में मिलता है, अंडे में मिलता है, पपीता में मिलता है, आम में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 4 PM की क्लास से उठाया अपनी, और सेम का सेम क्वेश्चन कल आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन डालते 4 बजे वाली क्लास में, जो अपनी पहले सीरीज चलती थी ना, मतलब 2-3 महीने पहले जो अपनी सीरीज चलती थी, रेलवे जनरल साइंस टेस्ट 1, रेलवे जनरल साइंस टेस्ट 2, आपको पता है क्या? अरे किसी ने वो सीरीज अटैम्प्ट करी थी क्या? उसमें बहुत से बच्चे थे, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया और यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया था कल के में, समझ रहे हो? तो आंसर बता दो इसका पहले तो। चलिए आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप लोगों का फायरफॉक्स बिल्कुल है, सफारी आप लोगों को पता है, एप्पल वाले जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है, आप लोगों का एज ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज आपने सुना होगा दोस्तों, FTP आप लोगों का एक ब्राउजर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा FTP, जिसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इट अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये आप लोगों का एक ब्राउजर नहीं है। ये देखो ये एज का सिंबल है, ये आप लोगों का फायरफॉक्स का है, ये गूगल क्रोम का है, ये ओपेरा का है, ये सफारी का है, और कल वाले ऑप्शन में शायद ओपेरा भी था, तो ओपेरा तो आपका ब्राउजर हो जाएगा, है ना? कल एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन था जो नहीं है, तो जो थे वो मैं आपको बताता हूँ। कल वाले ऑप्शन में जो थे, एक तो आप लोगों का ये था, कौन सा हो जाएगा? फायरफॉक्स हो जाएगा, सफारी भी था, ओपेरा भी था, एक चौथा ऑप्शन था जो नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गाउट के रोगियों को, मतलब गाउट का मतलब क्या है? गठिया। तो गठिया जिनको डिजीज है उनको कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, जल्दी से बताइए। तो गाउट डिजीज होती क्या है? आप लोगों के जॉइंट्स पे, मतलब अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये आप लोगों के जॉइंट्स पर जम जाते हैं, और अगर आप लोगों के जॉइंट्स पर जम जाते हैं तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं गाउट डिजीज। तो इसमें ये यूरिक एसिड का निर्माण कहाँ से हुआ? प्रोटीन से ही होता ही है। तो प्रोटीन वाला खाना आपको क्या खाना चाहिए? कम खाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लो प्रोटीन फूड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? कल आप लोगों से बेरी पूछा गया था, आप लोगों से शिफ्ट 2 में पूछा गया था, कल 29 की शिफ्ट 2 में बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। आप लोगों से बोला जा रहा है बी कॉम्प्लेक्स समूह का कौन एक विटामिन है? नियासिन। पहले तो कमेंट करके बताओ नियासिन कौन सा होगा, B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? तो विटामिन B1 होता है आप लोगों का थायमिन, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेमिन, विटामिन B3 कौन सा होता है? आपका नियासिन होता है। तो नियासिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन B3 हो जाएगा, और विटामिन B3 की कमी से दोस्तों पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे मेजर करी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ल्यूसीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव शरीर के किस भाग में वसा पूरी तरह से पचता है? फैट का डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से, बताइए। तो ये आप लोगों का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखो, तो ये आप लोगों का दोस्तों जो फूड जब नीचे आएगा तो ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या होता है? पैनक्रियास होता है, अग्नाशय होता है। पैनक्रियास से क्या निकलता है? पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज, और ये जो आपका पैनक्रिएटिक जूस निकलता है किसमें मिल जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी आप लोगों का फूड आया इसमें जो भी आप लोगों का फैट था उसका डाइजेशन हो जाता है। तो कौन करता है आप लोगों का? लाइपेज करता है, और कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटेलॉइड है? इनमें से कौन सा मेटेलॉइड है? मेटेलॉइड का मतलब होता है इनमें से कौन सा उपधातु है, जरा बताइए। मेटेलॉइड क्या होते हैं? जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, बताइए। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर बताएंगे। सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे क्या? कल एक न्यूमेरिकल आया था, बहुत बेसिक आया था, हम लोग सभी न्यूमेरिकल कर चुके हैं, शायद 3rd क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। कल न्यूमेरिकल आया था, 1/4 ओम के 3-4 रेजिस्टेंस थे, 1/4 ओम के 4 रेजिस्टेंस थे। तो आप लोगों इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिले, अधिकतम प्रतिरोध मिले। तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा क्या?
तो अगर आप लोगों को चार रेजिस्टेंस है, सभी 1/4 ओम के हैं, तो अगर आपको इनको जोड़ना है तो ऑब्वियसली बात है किस में जोड़ोगे, आप लोग सीरीज में जोड़ोगे। सीरीज में जोड़ने पर क्या हो जाता है, सिंपली आप लोगों का ऐड हो जाता है R1+R2+R3+R4, समझ रहे हो। तो 1/4+1/4+1/4+1/4 क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। चलिए इस पर आंसर आते हैं, मेटलॉइड। देखिए आप लोग के मेटलॉइड कहां पर होता है, मेटलॉइड यहां पर होते हैं, ये बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे जिग जैग लाइन याद है क्या। तो ये बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, आपके मेटलॉइड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी मेटल की जैसे भी होती है, नॉन मेटल की जैसे भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। डैश मतलब आप लोगों से पूछा जाए कोई एक एसिड है जो पके हुए केले में होता है, पके हुए केले में कौन सा एसिड होता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है पके हुए केले में। इसके अलावा थोड़ा सिट्रिक एसिड और ऑक्जिलिक एसिड भी पाया जाता है। तो मैलिक एसिड का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो C4H6O5 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। आंखों में आंसू मतलब जो आंसू आते हैं आंखों में, तो ये कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, ये आंसू जो है आप लोगों की कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। ये निकलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, लैक्रिमल ग्लैंड से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल ग्रंथि। और जो आप लोगों की टीयर गैस छोड़ी जाती है ना, टीयर गैस, इसमें आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो इस टीयर गैस से क्या हो जाती है, आपकी लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपके बहुत ज्यादा क्या आते हैं, आंसू आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, बताओ मुझे। ये क्वेश्चन आपका आया था, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो ये सेम क्वेश्चन आया था आप लोगों का, मतलब क्वेश्चन घुमा के आया था, क्वेश्चन में शायद पूछा गया था सेरिकल्चर क्या होता है, तो रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोग के बाकी के क्या है ये भी समझ लो। तो बाकी तो आप लोग जानते हो, एपिकल्चर मैंने आपको बताया, मधुमक्खी पालन। आपका हॉर्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, यानी फल एवं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर मैंने आपको बता ही दिया, रेशम के कीड़ों का पालन। आपका फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो चलते हैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर बताएंगे। परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे, क्या चीज सही है, चार ऑप्शन दिए हुए, आराम से सोचिए, समझिए, आंसर बताइए। बताएंगे आंसर, तो देखिए एक चीज आप लोग सभी जानते हैं एटम के बारे में, बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और भारी कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो आइए देखते हैं, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर इन कक्षाओं में होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से मुझे बताइए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, चार ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताएं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। सारे समझ लो, सारे क्या बोला जा रहा है, देखो समझो, अगर आप लोगों से पूछा जाए मेलेकोलॉजी, तो ये आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ मोलसेज एंड इट्स शेल्स। अगर हम लोग बात करें पैरासाइटोलॉजी, तो आपके जो पैरासाइट होते हैं आप लोगों के, यानी परजीवी, उनका अध्ययन कहलाएगा आपके पैरासाइटोलॉजी। आपके एंटोमोलॉजी हो जाएगा कीटों का अध्ययन, और आपका हो जाएगा एक्टियोलॉजी, ये आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, और आपके मछली पालन क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है पीसीकल्चर। तो स्टडी ऑफ फिश अलग चीज है और मछलियों का पालन एक अलग चीज है, मछलियों का पालन हो जाएगा आप लोगों का पीसीकल्चर, और स्टडी ऑफ फिश कहला जाएगा एक्वेटाइलॉजी। ठीक है, तो ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। साउंड से दोस्तों दो क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के, दोनों में आपको करवा चुका हूं,
चलिए अब तो आंसर बता दीजिए इसका, आंसर बता देंगे इसका तो अभी आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ध्वनि तरंगे डैश होती है, तो देखिए वेव्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आप लोगों की मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है आप लोगों की ट्रांसवर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ और ये आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य, समझ रहे हो? ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सारी कैसे होती है, ऑलमोस्ट सभी ट्रांसवर्स नेचर की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी है, तो पहली बात तो मैकेनिकल है, और मैकेनिकल में भी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल में भी कौन सी लॉन्गिट्यूडनल होती है, चलिए बताइए। तो चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्वनि तरंगे, डैश तरंगे, अच्छा कौन सा गलत है, ओके कौन सा गलत है बताइए। तो ये आप लोग की प्रेशर वेव होती है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता है जब भी ये आप लोगों की प्रोपोगेट करती है तो क्या होता है इनमें कुछ जगह क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो आप लोगों के मीडियम होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर में से, तो एयर के जो मीडियम होते हैं कहीं पर क्या होते हैं आपके कंप्रेस होते हैं, कहीं पर क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। तो जब भी आप लोगों का साउंड ट्रेवल करता है तो देखिए कहीं पर आप लोगों का कंप्रेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न, फिर आपका रेयरफैक्शन होगा, इसको बोलते हैं विलयन। मतलब आप लोग देखिए प्रेशर के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है, मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है। लॉन्गिट्यूडनल होगा ही होगा, मैकेनिकल होगा ही होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, जिनको आगे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जबकि आपकी साउंड क्या है, ये तो मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की जरूरत होती है, ये वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर आंसर सी होगा बट प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी, एक बार मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया साउंड पे प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता, सर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए सी आंसर होगा, क्या बात है, मतलब क्या लॉजिक लगाते हो आप। तो आज के लिए क्वेश्चन हम लोग इतने रखते हैं दोस्तों, जब भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हो उसके जस्ट बाद में आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, जिससे प्रॉपर एनालिसिस हो सके, क्लियर? तो बताइए और आपके लिए क्या सेवा, और आपके लिए जो सेवा चल रही थी वो आज से कंटिन्यू हो जाएगी, जो बिल्कुल फ्री क्लास होती है डेली 1 PM पे अनअकैडमी पर, समझ रहे हो? तो क्लास के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर नाम सर्च करेंगे मेरा नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो करेंगे, स्पेशल क्लासेस में सी ऑल करोगे सारी क्लास आपको दिख जाएगी, ठीक है? तो स्पेशल क्लास पे खोलोगे तो आप लोगों से, अगर नए यूजर हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो कोड पे आप लोग डाल दीजिए नीरज 11 अनलॉक आप लोग कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, समझ गए? क्लियर, चले आगे। और दोस्तों CGL और CHSL की जो भी तैयारी कर रहे हैं 29 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आप लोगों को फुल सिलेबस मिलेगा फॉर CET के लिए, टॉप एडुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार देख सकते हो, PDF मिलेगी आप लोगों को हर क्लास की, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, और वीकली क्विज और मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप लोगों को CGL और CHSL का मिलेगा, इसमें SSC JEE के भी कोर्स मिल जाएंगे, ध्यान रखेंगे अगर SSC का सबक्वेश्चन लेते हैं। 31 तारीख से प्राइस हाइक हो रहा है, तो यहां पर आप लोगों को ऑल कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी कोर्स मिल जाएंगे एक सबक्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है केवल ना मेरे साइंस का ही मिलेगा या मैथ्स का ही मिलेगा, सभी टीचर जो मिला रहे हैं सबके कोर्स मिल जाएंगे, आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए, 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज आपको मिल जाएगी, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें टोटल 14,755 कोर्स है। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा 24 महीने का 7200 का है, रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, तो ये आपको पड़ जाएगा 6,480 रुपये का, ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू सो मच, PDF आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी, है ना? ओके, हाँ ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे NTPC से ग्रुप डी की साइंस कोई अलग थोड़ी है। सर एनालिसिस का टाइम क्या रहेगा, मैं 7 PM डाल दूंगा मैं, जैसे मान लीजिए आप लोग का हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट का मैं अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोनों शिफ्ट के एक में वीडियो डाल देता हूँ, क्यों आपको परेशान करना यार, एक एक घंटा खींचना आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, तो एग्जैक्टली जो भी दोनों शिफ्टों के मिला के जो 14-15 क्वेश्चन आएंगे वो मैं आप लोगों को एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? ओके,
चलिए तो बिल्कुल लोड ना ले, शानदार तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करिए। पेपर बहुत मॉडरेट आ रहा है, तो सभी जो तैयारी करवाई गई थी बिल्कुल उस पर आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए और बिल्कुल मस्त अटेम्प्ट करके आइए, सब बढ़िया होगा पेपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।